तो गाइस मैं फ्रेश हो गया फटाफट। खैर अब्बा की छुट्टी तो ले ली, यहाँ पे रिक्शा करवा करके दे रहे हैं वोट। सबको अच्छा लगा, खुश हो गए, वो भी इतनी। इलेक्शन का पर्ची, तो ये अपना इलेक्शन का पर्ची। हे गाइस, हे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया शफीक आसिफा व्लॉग में। मेरा मुंह देख के और मेरी आवाज सुन के तो पता चल ही रहा होगा ये बराबर है कि नहीं। और ये देखो मेरे पास, मैंने लेने आई थी पिंस वगैरह यहाँ पर, क्योंकि मेन पिंस अभी ख़त्म हो गई है। अरे वो थोड़ा दिमाग से सही नहीं है तुम, क्या देख के एकदम बोला क्या बोल रहा है क्या बोला देखो जरा क्या। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये देखो आवाज़ में जरा जानू तो बॉब पिन मेरे पास ख़त्म होने आई और आज एक साथ दो दुल्हन रेडी करना है, तो मैं फटाफट बॉब पिन ले ली और कपड़े की पिन भी बड़ी वाली और थोड़ी ले ली बड़ी साइज़ की। तो चलो चलते हैं फटाफट अभी घर पे। तो हाँ मुझे छोड़ के कहाँ जाने वाले हो? इलेक्शन का पर्ची ढूंढने। इलेक्शन का पर्ची, तो ये अपना इलेक्शन का पर्ची ढूंढने जाएंगे और मैं तो कल जा करके जगह पे पर्ची लूंगी, क्योंकि बेचारे अम्मी जा नहीं रहे। अम्मी बोले ऐसा देगा नहीं, तेरे को आना पड़ेगा तो लेना बोल के, उनको समझ में नहीं आएगा। कल बोला था चलो जाके आते पर्ची ढूंढने, मेन इम्पोर्टेंट है। तबियत देखो ना कैसी है, वोट देना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। आज की तारीख में वोट देना बहुत जरूरी है। हमेशा से कांग्रेस को ही वोट देते हैं, तो मैं तो कांग्रेस को ही दूंगी जाके मुमरा में। बस मेरी छुट्टी मिल जाना चाहिए, मुझे सुबह सुबह भागना पड़ेगा 7 बजे उठ के, और कुछ नहीं। अभी भी तबीयत सही नहीं है। चलो अल्लाह, बट फिर भी अभी मैंने ऑर्डर लिया है तो मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकती, किसी को मैं खड़े पे धोखा नहीं दे सकती, मेरी वैसी आदत नहीं है भाई, है कि नहीं जानू? हालांकि मुझे मेहंदी में बहुत सी चीज़ों में ऐसा खड़े पे धोखा मिलता है आ जानू, लेकिन अपन वो काम नहीं करते। खैर अभी चलो फटाफट जाते, सब दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा मैंने बैग पैकिंग कर लिया है। तो ये देखो मेरा बैग कैसा पूरा मैंने पैक कर लिया है, ब्राइडल्स के हिसाब से हर चीज़ रखी हूँ। बाकी की चीज़ें मेरी सब यहाँ पर है, सब भरी पड़ी है अंदर मशीन के साथ में। तो चलो अभी ये पिंस भी यहीं डाल देती हूँ, पर इसमें से थोड़ी डाल सारी नहीं, क्या वो मैंने फेंक दी काम का अंदर, नहीं बाहर गया रहेगा उड़ के, घर में ही फिका हुआ था वो। सिवा रेडी हो चुकी है, अपना वैनिटी लेके तैयार। कैसी लग रही हूँ? चलो अच्छा लग रहा है, सिंपल सादी हूँ, मुझे थोड़ा हल्का सा मुँह सुधार लूँ ताकि लगे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। चलो चलते ले मेरा बैग, चलो चलो। मैं तो ढूंढ रहा हूँ यार गाइस कितना ओजन का पाउची, पर यहाँ कहीं मिल रहा नहीं है। देखो किधर मिलेगा क्या, मनोज में हूँ महाड़ा में, कलर दे रहे हैं नहीं मिल रहा। बाइक पर रखा हो मोबाइल, दो जगह राउंड मार के आ गया। एक जन बोला अंबोजड़ी में जाओ, अंबोजड़ी में जगह कभी जाना पड़ेगा, लगा अंबोजड़ी में भी नहीं है। तो बोले कल सुबह 6 बजे आओ, सुबह 6 बजे आओ, बोले यहीं कहीं बैठे रहेगा बाहर, बोले यहीं बैठे रहेंगे तो तुम अपने ऑटोआईडी दिखा के ले लो। अभी यहीं खड़ा हूँ, देखो क्या करते हैं देखते, चलो कहीं और जाते हैं। ढूंढता हूँ, कब से ढूंढ ही रहा हूँ मैं, बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बोल रहे कल सुबह 6 बजे बैठेंगे लोग लैपटॉप लेके, उनका आईडी दिखाओ तो लोग तुमको प्रिंट निकाल देंगे पावर की, और फिर अंदर जाके वहाँ वोट देना पड़ेगा। चलो देखते हैं कहाँ मिलता है। जब तक आशीर्वाद को लेके आ गया जी, हाँ मैं आ गई। कैसा रहा मेकअप, मज़ा आया? मज़ा क्या आएगा, अच्छा लगा? नहीं माशाल्लाह सबको अच्छा लगा, खुश हो गए, वो भी इतनी गर्मी भप्पा में एकदम छत ऐसा नीचे ऐसे में एकदम मैंने लोगों को रेडी करी, दो दुल्हन वो भी एक साथ में, माशाल्लाह मेकअप भी अच्छा और अभी तक टिका हुआ है। और घंटे यहाँ रखा सामने अभी लेके आए, वो ट्रैफिक था जैसे अंदर अंदर से लेके। तो गाइस देखो इसको, मैडम को सो गई, इसको दावत है, जो दुल्हन दो दुल्हन रेडी करके इनके वहाँ की दावत है, उनसे वादा करके आई है कि आप लोग फोटो खिंचाऊंगी। उन्होंने बोले आना फोटो खींचना है सबको, ऑमलेट हो गई, थक गई है बहुत ज़्यादा, 9:45 हो चुका है और ये बहुत थक गई है ना, और बुखार भी चढ़ गई इसको, बुखार भी चढ़ गया ना इसकी वजह से, बोली मैं सो गई। देखो दावत जाते कि नहीं जाते क्या मालूम, मैं तो खा रहा हूँ भाई कल से कड़ी, मज़ा आ रहा है एकदम मस्त, गिल्ली गिल्ली भजे में मिला के मज़ा आ गया, कड़ी पाव चावल मज़ा आ रहा है, वही खा रहा हूँ। सो गई और मेरे यहाँ पे देखो टाइम पास कर रहा है, टीवी देख रहा है बस, देखिए दावत का क्या होता है, दावत में तो मुझे लग रहा है नहीं जा पाएंगे। इतना रेडी, एक्चुअली मुझे जाना था शादी में, सब वेट कर रहे थे, तो मैं सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ,
क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे को फीवर भी चढ़ गया था उठने के बाद में, मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब थी और ज़्यादा हाथ पे मेरे अभी भी काँप रहे। मैंने दवा खाई हूँ अभी वापस, तो थोड़ा कुछ खा पाई नहीं, तो मेरे को एकदम ऐसा उल्टी जैसा हो रहा था, कफ मेरे को एकदम है ना पक गया एकदम, क्या बोलूँ आप लोगों को। तो खैर कोई नहीं, कल वोटिंग का दिन है। जानू बोले सुबह सुबह अकेले कैसा भागोगे, चलो मैं तुमको छोड़ के आता हूँ फिर मैं आ जाऊँगा। तो मिली तुम आओ नहीं वापस, तुम वहीं रात को सो जाओ, जहाँ यहाँ पे वापस आओगे 2 घंटे की नींद मिलेगी वहीं सोओगे, तो एटलीस्ट 4 घंटे 5 घंटे की नींद पूरी होगी। सुबह 7 बजे भी 6 बजे भी निकलेंगे ना, 6:30 बजे भी, तो फटाफट 7:30 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे खाली खाली, है कि नहीं जानू। तो बैग मैंने तैयार कर लिया, मैं भी रेडी हो गई हूँ फटाफट, अभी हम लोग निकल रहे हैं मुमरा के लिए सिर्फ अपने हक के लिए। मुझे तो पता है मेरे को मेरा वोट किधर है, मुझे मालूम है नजदीक में है, इसका कोई पता नहीं है, इसलिए इसको जाना पड़ेगा जल्दी। मैंने दिया, मैं दो बार मैंने वही मुमरा में दिया है, मेरा कौसा में लगता है मेरा उसका शाखा, क्योंकि अब्बा लास्ट टाइम पे कैसा हुआ था, अभी से 5 साल पहले अब्बा का कहीं और लगा था, मेरा कहीं और लगा था, और अम्मी अब्बा का एक साथ में लगा हुआ था, और मेरा और मेहता पापा का दूसरी जगह लगा था, तो मेहता पापा उस टाइमिंग पे आई नहीं थी अहमदाबाद से, तो मैंने जाकर के अपना वोट दी थी। मैं यहाँ से डायरेक्ट गई थी देने के लिए वोट, अब्बा के यहाँ पे एक दिन पहले ही चली गई थी, और वहीं से फिर वोट दे करके मैं वहीं थी, ये दूसरे दिन आए थे मुझे लेने के लिए, मैंने ऐसा वोट दिया था। तो अब्बा ने मतलब शिफ्टिंग तो करवा चुके अब्बा ने सब कुछ वहाँ पे मुमरा के उस पर सब क्या बोलते जानू आईडी पे ट्रांसफ़र करवा दिए, लेकिन कैसा है ना कि वहाँ पे अभी तक हम लोगों का कार्ड बन के नहीं आया, हम लोगों की छिट्टी आती है, और जो मेरे पास कार्ड है वो मेरे पास पुराना मानकुर वाला है, तो इन्होंने इसलिए ऑनलाइन चेक किया ना, तो इनको मानकुर दिखा रहा है, और अम्मी बेचारे अकेले जाकर के कैसा ढूंढेंगे करेंगे, उनको समझ में आता नहीं है, वो बेचारे पढ़ नहीं सकते, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ ताकि सुबह सुबह जाऊँ तो अम्मी का मेरा अब्बा का मैं छिट्टी ले करके आऊँ वहाँ से, हम लोग सबकी जितनी भी रहेगी तो मैं चेक करके सुबह सुबह वहाँ से ले लूँगी, है कि नहीं। चलो निकलते फटाफट, एक बज रहा है, दुआ पढ़ लो, मिलते हैं आप लोगों से मुमरा में। मैंने यहाँ पे अंदर अमृत नगर में बराबर दरगाह के सामने जानू, लास्ट टाइम मेरा वोटिंग का इधर था, इधर के इधर इधर अंदर, यहाँ यहाँ अंदर, इधर अंदर लाइन में था मेरा, इधर अंदर था मेरा, मेरे को लास्ट टाइम इतना इधर भेज दिए थे, उठा करके मेरा यहाँ पे डाल दिए थे वोटिंग का, और अब्बा का कोसा में था। अब सुबह पता चलेगा कि इस बार मेरा किधर है वोटिंग का, और मुझे किधर भागना पड़ेगा क्या मालूम, वो तो छुट्टी मिलने के बाद ही पता चलेगा, इतनी जल्दी नहीं। फ्रिज में रखते है ठंडा पानी, अभी जबरदस्त चलो पी लो अभी, चलो फटाफट। गुड मॉर्निंग गाइस, चलो निकलते हैं सुबह सुबह मलाड मालने के लिए, जाती है अपनी पर्ची ढूंढने, कहाँ गई है जाएगी अपनी पर्ची ढूंढने, मैं जाता हूँ फटाफट अपना पर्ची ढूंढता हूँ और वोट डालता हूँ। सो गया तो उठने मन नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं सो रहा था यार, समझे। चलो जाएंगे ना, थोड़ी तो नींद पूरी हुई, थोड़ी बाजू में घर है, बाजू में घर है, अभी जाओगे वहाँ वर्डिंग के बाद सो जाना। चलो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ कला विद्यालय पे, मुझे मिल गया है 248 411 वार्ड में जाने का है और वोट देने का है। चलो कांग्रेस वोट देंगे फटाफट, भगाते हुए आए हम 9:15 बजे टच हो गया, सोचो यहाँ पे। चलो चलते हैं अंदर, लाइन बहुत है। तो फाइनली गाइस वोट दे दिया हमने यहाँ पे, ये देखो बहुत गर्दी थी, मस्त वोट दे दिए, देखो यहाँ वोट दे दिए हम लोगों ने फटाफट, आज देखो यहाँ पे मेरी उंगली पे निशाने दो, एक वोट की कीमत तुम क्या जानो बाबू, तो दे दिए मैंने फाइनली, और बहुत गर्दी थी, बहुत आधा घंटा ज़्यादा लाइन लगाने के बाद नंबर आ गए, जाते हैं फटाफट, पहले पानी नहीं भरते फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस मैं फ्रेश हो गया फटाफट, और उमेर के लिए भी 2-4 कपड़ा रख लिया, क्योंकि उमेर का प्लान है नानी के यहाँ 3-4 दिन रहने का, तो अभी फोन आया बोले निकल रहे हो कि नहीं निकल रहे, मैंने थोड़ा सो गया था, सो के मस्त थोड़ा उठा हूँ अभी जाता हूँ फटाफट, और हमने वोट दे दिया मस्त, बहुत अच्छा लगा वोट दे के यार, बहुत खुशी हो रही है कि नहीं। तो चलो चलते हैं उमेर के लिए 3-4 जोड़ी कपड़ा लिया हूँ, बोलता बा मैं नानी के यहाँ रहूँगा, मैंने ठीक है रहे, तो उसके लिए थोड़ा सा कपड़ा लिए और कुछ नहीं, बराबर फटाफट चलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, वेलकम हो गया शफीक आसिफा व्लॉग में। तो फाइनली मेरा वोटिंग का मिल गया, ऑनलाइन मिला, मेरे जो बिल्डर हैं वहाँ के उन्होंने निकाल के दिए,
तो अभी मैं जा रही हूँ वोट देने, और हमेशा की तरह मेरा वहीं पे बराबर वोटिंग लगा है जहाँ पे मैंने आज से 5 साल पहले दिया था। तो चलिए जाते हैं। तो इधर है मेरा, देखो अभी मैं जा रही हूँ वोट देने के लिए। तो खैर फाइनली मैं हूँ इंडिया की। देखो बोलते ना नागरिक, तो मैंने मेरा वोट दे दिया। आप लोगों ने आपका वोट दिया कि नहीं जरूर बताइएगा। जानू अभी गए हैं, कैसा ढूंढते क्या करते अब वो उनके ऊपर है, उनका कैसा आता कैसा नहीं उनको बताऊंगी। ऑनलाइन में चेक करो रहेगा तो उधर लिख कर जो आया रहेगा वहां पर जाओ करके। तो खैर अभी मैं जा रही हूँ घर पे। अम्मी ने नहीं दी लेकिन मैंने वोट दे दी। मैंने अब्बा का भी निकलवा के ली फोटो ऑनलाइन में, लेके स्क्रीनशॉट ले ली, लेकिन अभी अब्बा को कैसा लेके जाऊं देखते हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी तो मैं घर के लिए निकल रही हूँ फटाफट, अम्मी के पास जाऊं। इतना तबीयत खराब में आखिरकार मैंने मेरा वोटिंग का ढूंढ के भाई क्या। तो खैर फाइनली अभी घर पहुंचने वाली हूँ। मुझे मैंने अब्बा से भी वोट डलवाना था लेकिन अब्बा से कैसा डलवाऊं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जानू गए अपना वोट देने के लिए। कम से कम तीन चार लोग चाहिए उनको ऊपर से नीचे उतारने और वापस ऊपर चढ़ाने और गाड़ी में बिठाने। अगर मेरा भाई भी होता तो एटलीस्ट, या जानू होते तो गाड़ी में बिठाने करने, क्योंकि उनका पोलिंग मेरे ख्याल से यहीं कहीं रहेगा या तो कौसा तक का रहेगा। क्या करूँ वही अब्बा के लिए समझ में नहीं आ रहा, उनसे वोट कैसा दिलाऊं। मेरा तो निकलवा के दिए एक आंटी यहीं पे अध्यक्ष है, तो उनके लड़की मिली थी मुझे रस्ते में, तो उनसे सलाम दुआई। उनने बोले मेरी मम्मी अध्यक्ष है, आप उनको फोन करो एक बार, वो आपको करवा के देंगे। तो वो बोले कि बेटा जो तेरी बिल्डिंग का है ना मेन बिल्डर, उनके पास जाओ, रेहान भाई के पास। और रेहान भाई से तो अब्बा की पहचान अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी बहुत अच्छी है। बोले अरे आप आयो, मैं बोली हाँ भाई वोट देने आई हूँ पर मेरा मिल नहीं रहा है आईडी। बोले आप टेंशन मत लो। तो उन्होंने फटाफट मुझको ऑनलाइन निकाल के दिए। बोले कहीं भागो मत, मैं अभी बोले चेक करके बतवाता हूँ। वो चेक किए, बोले ये फोटो खींचो और लिख कर दिए पर्ची, बोले जाओ लेकर के और सीधा वोट दे करके आना। तो फाइनली मैंने वोट दे दिया। मैंने वोट दिया कांग्रेस को, आपने किसको दिया जरूर बताइएगा। तो मैं अभी अम्मी को लेकर जा रही हूँ वोट दिलाने के लिए। देखते अभी अम्मी की चाकर किधर लगी हुई है, क्या बोलते अम्मी। चलो जल्दी यहाँ पे रिक्शा करवा करके दे रहे हैं वोटिंग के लिए, क्या बोलते अम्मी। पर जहाँ पे तुम्हारा लगा है वहाँ के लिए तो रिक्शा है ही नहीं, नजदीक नजदीक वालों के लिए। मतलब अगर दो चार लोग रहेंगे ना तो बिल्डिंग वाले करवा करके रिक्शा दे रहे हैं, जाओ और जाकर के वोट दे कर आओ। और यहाँ पे मशाल है कांग्रेस के लिए, तो बोले मशाल को ही देकर आना, बोले दो नंबर अम्मी तुम भी दो नंबर ही दबाना। अम्मी का यहाँ लगा हुआ है, बापरे इतना दूर स्टेशन से थोड़ा नजदीक में पहले। पब्लिक क्या भरी हुई है यहाँ पर अम्मी का है, बापरे जोंदियल स्कूल के पास। भाई लोग बहुत अच्छे हैं, इन लोगों ने मुझे अब्बा की भी छुट्टी निकाल के दे दी और मैं जा रही हूँ अब्बा की तरफ से वोट देने के लिए। बोले आपके अब्बा की तरफ से दे सकते हो, अगर वो नहीं आ सकते उनको हाफ बॉडी पैरालाइज है तो। मैं आज दो वोट दूंगी, एक मेरे अब्बा की तरफ से। हमारी माते निकल गए, आज हमारी माते निकल चुकी है वोट देने। चलो आगे आ गया, तुम्हारे को कितना पूरा उंगली पे लगा दिए। अरे क्यों पहुंचे अब्बा का इतना ऊपर इधर लगा हुआ, अम्मी अपुन आ गए एक वोट के लिए। इसी में मैं कहाँ घूम रही हूँ, क्या बोलते अम्मी। तो खैर अब्बा की छुट्टी तो ले ली, जहाँ अम्मी को दिलवाई वोट वहाँ के बहुत अच्छे थे ऑफिसर, 3 स्टार थे और कितने अच्छे से बात किए। बोले जा जा करके पप्पा की छुट्टी निकाल, अगर पप्पा की छुट्टी यहाँ की रहेगी तो तू दे दे, बोले इतना उनको लाने ले जाने का टेंशन मत ले बोल के। और यहाँ पर आई तो क्या तो बताए, बोले उसको ये बोलते हैं 8 दिन पहले होता है पैरालाइज पेशेंट को लेके आके, अभी नहीं होगा। बोले जाओ, छुट्टी दिए अब्बा की और दे दिए, बोले जाओ जाओ, नहीं बोले लेके नहीं आ सकते तो बोले वो नहीं कर सकते। बताओ क्या फायदे का ऐसा, एक वोट वेस्ट हो रहा ना। जब आप लोग, मुझको वीडियो आया कि आप लोग सुविधा आप लोगों को अवेलेबल है, जाकर के ऑफिसर से बात करो, छुट्टी लेके आएंगे घर से लेकर जाएंगे, ये सब वीडियो आ रहा है व्हाट्सएप पे। और यहाँ पर आकर के बात कर रहे तो इन लोगों को जान पर आ रहा है, बोलते नहीं होएगा बोलते। बताओ ये है वोटिंग के असली, बोले ना किसी का कहीं डाल दिए, किसी का कहीं डाल दिए, किसी का कहीं डाल दिए, अंदर वीडियो बनाने नहीं दे रहे। कितनी है लड़की, एक लड़की टीका लगाई थी वो वीडियो ऐसा बना रही है, ओ मैडम बोला खाली छोड़ दिया। और कोई मुसलमान है तो हाथ से फोन छीन ले रहा है, तो गलत है, भेदभाव क्यों कर रहे हो, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पहुंच गया और अचानक मैडम का फोन आता, बोलती मेरे कपड़ा मत लाओ, नहीं रुकेगा बोल रहे। हाँ बे क्यों क्यों नहीं रुकेगा, ऐसे ही नहीं है यहाँ पे, कैसा है टीवी भी कुछ भी नहीं है, ना टीवी है ना मोबाइल है ना कुछ है, कुछ नहीं है,
फोन तो चलो इसको मैं देखने नहीं देती हूँ, घर पे टीवी देखता है, बाहर खेलने जाता है दोस्त लोग के साथ में, चार माला है, किधर जाएगा क्या करेगा। तो और मेरी हालत हो गई खराब, बहुत नींद आ रही है, बहुत थक गया मैं। पहले मालूम से मुमरा से जल्दी इसलिए आना पड़ा रात को, पता है हम लोग को कि पूरे दिन का वोटिंग रहता है, लेकिन इसका पर्ची नहीं मिल रहा था, है ना, इसका पर्ची पावती नहीं पता था कहाँ जाएगा, क्योंकि हम लोग मैं सर्च किया तो मानगुर का दिखा रहा था, फिर भटक भटक के थोड़ा सुबह इसने जो भी करी, फिर मैं गया फटाफट मैं अपना किया, है ना, तो बहुत भटकी अम्मी को लेकर। अगर लेट आता मैं बोलता अरे आराम से जाते, फिर मालूम पड़ा भटकना पड़ता तो ज़्यादा टाइम हो जाता इसकी वजह से, ठीक है। तो चलिए फिर गाइस अभी हम लोग बंद करते हैं यहीं पे, क्योंकि बहुत नींद आ रही है, दो दिन का ब्लॉग एक साथ में मिलेगा आप लोग को, है ना। चलो तो अल्लाह हाफिज़ है, मिला हमको वापिस है, चुंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के, कीप सपोर्टिंग, खत्म मत बताना ग्रुप आता है, आप लोग भी वोट दे दो, अभी वोट टाइम आप तो, हां दे दो, आज का दिन वोटिंग का है।